हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, कलाकार और वो कलाकृतियाँ वर्तमान में किस संग्रहालय में संग्रहित है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से लर्न करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व के प्रसिद्ध म्यूज़ियम और विश्व के प्रसिद्ध कलाकृतियाँ और उन कलाकृतियों के कलाकार कौन हैं, आप लोग इसे ध्यान से लर्न करेंगे तो ये इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे आप लोग आसानी से कर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा। और मोनालिसा कृति को कलाकार लियोनार्डो द विंची ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में लूब्र म्यूज़ियम जो कि पेरिस में स्थित है वहाँ पे संग्रहित है। दोस्तों, लूब्र म्यूज़ियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट एग्ज़ामों में इस म्यूज़ियम को ही पूछ लिया जाता है और पूछ लेता है कि ये म्यूज़ियम वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। नेक्स्ट कलाकृति है अंतिम भोज अर्थात द लास्ट सपर। द लास्ट सपर कलाकृति को लियोनार्डो द विंची ने ही निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में सांता मारिया उपासना गृह मिलान इटली में सुरक्षित है। आप लोग हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कलाकृति है डेविड की कलाकृति को माइकल एंजेलो ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस इटली में सुरक्षित है। नेक्स्ट कलाकृति है पिएटा। पिएटा की कलाकृति को माइकल एंजेलो ने ही निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में सेंट पीटर्स वैसिलिका वेटिकन सिटी इटली में सुरक्षित है। नेक्स्ट कलाकृति है अंतिम न्याय अर्थात द लास्ट जजमेंट। इस कलाकृति को माइकल एंजेलो ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी इटली में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है सृष्टि का सृजन द क्रिएशन ऑफ एटम और इस कृति को भी माइकल एंजेलो ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी इटली में सुरक्षित है। नेक्स्ट कलाकृति है होराथी की शपथ ओथ ऑफ द होराथी और इस कलाकृति को निर्मित किया था जॉक दाविद ने और इनको ही हम जॉक डेविड भी कहते हैं और ये कलाकृति वर्तमान में लूब्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। नेक्स्ट कलाकृति है मेदुसा का बेड़ा द रॉफ्ट ऑफ द मेदुसा और इस कलाकृति को जेरी कॉल्ट ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में लूब्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। नेक्स्ट कलाकृति है ओरना का दफन संस्कार द ब्यूरियल एट ओरनॉन्स और इस कलाकृति को कलाकार कुर्बे ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में म्यूसी द ओरसाय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है भूसा गाड़ी द हेवन और इस कलाकृति को कांस्टेबल ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है रात्रि के पहरी द नाइट वॉच और इसको रेम्बना ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में एम्स्टर्डम संग्रहालय जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है तृण पर भोजन द लंचियन ऑन द ग्रास और इस कृति को माने ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में म्यूसी द ओरसाय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है ओलंपिया को माने ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में म्यूसी द ओरसाय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है सूर्योदय का प्रभाव इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज और इस कृति को प्रसिद्ध कलाकार मोने ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में म्यूसी मार्मोटम मोने जो कि पेरिस में स्थित है वहाँ पर ये पेंटिंग सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है ग्रांड जॉब द्वीप में रविवासरी अपराहन अर्थात संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रांड जाते और ये कृति जॉर्ज सोरा द्वारा निर्मित है और ये कृति वर्तमान में
आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो यूएसए में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है ताश खेलने वाले द कार्ड प्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको निर्मित किया था पॉल सेजान ने, और ये कृति वर्तमान में म्यूसी द ओरसाय पेरिस फ्रांस में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है स्नान मग्ना द बाथर्स, और इस कृति को भी पॉल सेजान ने ही निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट जो कि यूएसए में निर्मित है वहाँ पे सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है तारों भरी रात द स्टारी नाइट, और इस कृति को वान गोग ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है सूर्यमुखी के फूल सनफ्लावर्स, और इस कृति को कलाकार वान गो ने निर्मित किया था और ये कलाकृति वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन यूके में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति पीला ईसा द येलो क्रिस्ट, और इस कृति को निर्मित किया था पॉल गोंग ने और ये कृति वर्तमान में अल्ब्राइट नॉक्स आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी डू कम फ्रॉम, व्हाट आर वी और वेयर आर वी गोइंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है और इसको पॉल गोंग ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन यूएसए में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है टोपी वाली महिला वुमैन विथ ए हैट, और इस कृति को हेनरी माथिस ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है वहाँ पर सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है चीक द स्क्रीम, और इस कृति को महान कलाकार एडवर्ड मुंक ने निर्मित किया था और ये कृति वर्तमान में नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में सुरक्षित है। नेक्स्ट कृति है अविन्यो की स्त्रियाँ लेस डेमोसलेस डी एविग्नॉन, और ये कृति वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है और इसको महान कलाकार और आधुनिक भारत के महान कलाकार पिकासो ने निर्मित किया था। नेक्स्ट कृति है ग्वेर्निका, ग्वेर्निका को भी पिकासो ने ही निर्मित किया था और ये कृति म्यूसियो रैना सोफिया मैड्रिड स्पेन संग्रहालय में सुरक्षित है। और लास्ट कृति है स्मृति की निरंतरता या दृष्टि सात्वत भी इसी प्रिंटिंग को कहते हैं और इसको हम द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के नाम से जानते हैं और ये कृति सल्वाडोर डाली द्वारा निर्मित है और ये कृति वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में सुरक्षित है। तो दोस्तों ये रहे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट, आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से लर्न करिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और आप लोगों के द्वारा दिया गया कमेंट ही मेरी पावर है और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मैं सभी दोस्तों के सभी स्टूडेंटों की बातों को गेन करता हूं और उनकी द्वारा जो मैटर उन लोगों ने पूछा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं उन पर कार्य कर रहा हूं और जैसे ही वो कार्य पूर्ण होते हैं मैं आप लोगों को तुरंत वो नोट्स प्रोवाइड करूंगा और आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपना रेगुलर पढ़ाई को जारी रखिए और कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो देखने के लिए तमाम तमाम फ्रेंडों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अपने स्टूडेंटों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा क्विट रखना चाहता हूँ और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। दोस्तों सब्र रख मेहनत कर, सब्र रख मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा। इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में बीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।